अभी बात कर लेते हैं कंपनसेशन की. सो कंपनसेशन आर द बेनिफिट्स विच आर गिवन टू एम्प्लॉयज. अभी वो सैलरी के फॉर्म में भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंपनसेशन भी हो सकते हैं. डायरेक्ट कंपनसेशन होते हैं आपके जो बेसिक वेज और सैलरी होता है उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, आपके ई शॉप्स मिलेंगी जो कि आपके यू नो शेयर या फिर इक्विटी में आती हैं. उसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट भी होते हैं आपके कंपनसेशन, जिससे एम्प्लॉयज थोड़ा हैप्पी फील करे कि कंपनी ने यू नो इतना काम किया, मैंने इतनी सेल जनरेट की, मैंने इतने लंबे टाइम तक काम किया, तो कंपनी ने मुझे एक वैकेशन ट्रिप दी है या फिर एक मुझे एक ब्रेक दिया है, मुझे कुछ हॉलीडेज दिए हैं. दीज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट कंपनसेशन, ताकि एम्प्लॉय का यू नो मोटिवेशन भी बढ़ता रहे, उसको खुशी भी फील हो कि कंपनी मेरे लिए ध्यान रखती है, मेरी खुशी का, मेरी फैमिली का. और उसके अलावा उसके लिए इंश्योरेंस प्लान कंपनी करती है कि कल को एम्प्लॉयज़ को कुछ हो जाए तो उनका मेडिकल इंश्योरेंस प्लान करें, यू नो इनका लाइफ इंश्योरेंस करें, ताकि एम्प्लॉयज़ को लगे कि यार इस कंपनी के साथ मैं थोड़ा सेफ हूँ, मेरे को कल को कोई प्रॉब्लम भी हो जाएगी तो दिस कंपनी विल बैक माई फैमिली अप. सो दैट इज़ लाइक इंश्योरेंस प्लान. ऑल्सो दे विल प्लान फॉर अ सिक्योरिटी प्लान, पेंशन, सम एजुकेशनल असिस्टेंट कि इफ़ यू वर्क इन दिस कंपनी विल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू योर किड और समथिंग लाइक दैट. So that is like a compensation factor. So every company try to give more and more compensation. तो काफी बार आपने देखा होगा कि कंपनी ई शॉप्स देती हैं, इंश्योरेंस प्लान देती हैं, काफी इंश्योरेंस प्लान तो आपके फैमिली को भी कवर करते हैं. They have lot of you know benefits for the employees. अभी बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, कि कैसे एक कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर होते हैं कंपनी उन सभी का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखती है. तो अभी बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डर या फिर स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉयज. तो बेसिकली कंपनी मेक श्योर करती है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जॉब सिक्योर रहे, उनको पेंशन मिले, उनकी सैलरी टाइम पे आ जाए, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे. क्योंकि एम्प्लॉयज तभी अच्छे तरीके से प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगे जब उनको अपनी जॉब सिक्योर फील होगी, उनको पेंशन मिलती रहेगी, अपनी सैलरी मिलती रहेगी, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बना रहेगा, ताकि एम्प्लॉयज थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें. उसके अलावा कंपनी के अंदर जो मैनेजर होते हैं उनका जो मेन एम होता है, उनका मानना है कि अगर हमने इस कंपनी को ऑर्गेनाइज ज्वाइन किया है सो इट्स आर बेसिक ड्यूटी टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, अचीव द टारगेट एंड प्लान फॉर सम फ्यूचर ग्रोथ, बिकॉज उनको इसीलिए कंपनी के अंदर रिक्रूट किया जाता है. एंड ऑल्सो जो कंपनी का ओनर रहेगा उसको लगेगा कि मैं अगर इतनी बड़ी कंपनी चला रहा हूं तो मेरे को अपने स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर दोनों का ध्यान रखना है. तो ये तो बात हो गई इंटरनल स्टेक होल्डर की कंपनी के. फिर बात कर लेते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के बारे में. एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं आपके सप्लायर. तो कंपनी के सप्लायर को हमेशा खुश रखना पड़ता है, उनको कुछ रेगुलर बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, कभी कुछ ट्रिप प्लान कर दी, कभी कुछ फ्री गिफ्ट दे दिया, उनको सस्ते प्राइस पे प्रोडक्ट यू नो देने पड़ते हैं या फिर हायर प्राइस से प्रोक्योर करने पड़ते हैं. प्लस में कंपनी की कुछ सोसाइटी से भी यू नो सोसाइटी की कंपनी से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं. सोसाइटी ऑलवेज वांट कंपनी टू यू नो केयर फॉर देम, यू नो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है सोसाइटी के लिए. उसके बाद गवर्नमेंट का मेन एम होता है कि कंपनी एक बार ग्रो हो जाए देन गवर्नमेंट स्टार्ट गेटिंग टैक्सेस फ्रॉम देम, यू नो कंपनी प्रॉपर गवर्नमेंट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस फॉलो कर रही है. प्लस में जो क्रेडिटर्स होते हैं सो कॉल्ड इन्वेस्टर जिन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, उनका जो मेन एम होता है कंपनी से वो होता है कि वो रेवेन्यू भी फाइंड आउट करे, प्रॉफिट भी फाइंड आउट करे एंड ग्रोथ भी देखें. सो बेसिकली ओयो के अंदर जब आदित्य घोष ने ज्वाइन किया तो उन्होंने बोला एक इंटरव्यू के अंदर कि माई वन ऑफ द फर्स्ट एम आफ्टर ज्वाइनिंग ओयो इज टू गेट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस राइट, बिकॉज इफ यू आर एबल टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर इन द कंपनी यू आर डूइंग समथिंग वेरी राइट. तो आदित्य घोष ने ये मेक श्योर किया कि कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, फिर चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, वो सभी कंपनी से बेनिफिट हो. फिर चाहे वो कस्टमर हो, उनको अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ट्रस्ट के साथ डिलीवर करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिर चाहे वो क्रेडिटर हो, गवर्नमेंट हो, सोसाइटी हो, एम्प्लॉयज हो, मैनेजर हो, ओनर हो, सबको फायदा मिले, सब लोग एक साथ ग्रो करें, तभी एक इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस काम कर पाती है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अभी बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप के इंसेंटिव प्लान होते हैं और कैसे एम्प्लॉयज को बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं एक स्टार्टअप के अंदर या फिर एक बड़ी कंपनी के अंदर.